आरएमएस टाइटैनिक एक ब्रिटिश पैसेंजर लाइनर थी। वो 15 अप्रैल 1912 को एक आइसबर्ग से टकराकर डूब गया। उसमें थे करीब 2224 पैसेंजर्स और उसमें से 1500 से भी ज़्यादा लोग मारे गए और वो उसी समय सबसे डेडलीस्ट सिंकिंग शिप बना दिया उसको। ये एक ऐसा जहाज था जो कि पिनेकल ऑफ कंफर्ट एंड लग्जरी माना जाता था। मतलब इसके अंदर जिम था, स्विमिंग पूल था, लाइब्रेरी था, रेस्टोरेंट्स था, केबिन्स था। सबसे मेन फैक्ट ये है कि लाइफ बोट का तो मतलब आप लोग जानते ही होंगे। लाइफ बोट मतलब एक ऐसी बोट जो कि इमरजेंसी में काम आती है। अगर ऐसा कुछ हुआ कि आप किसी शिप पे जर्नी कर रहे हो और वो शिप डूब गई, तो अभी के रेगुलेशंस के हिसाब से तो हर शिप में एडिक्वेट अमाउंट ऑफ लाइफ बोट होना चाहिए। इतना होना चाहिए कि एक भी पैसेंजर नहीं मरे। तो बात यह है कि टाइटैनिक जो है उसमें 48 लाइफ बोट रखने का कैपेसिटी था, 48 बड़े बड़े लाइफ बोट रखने की और वहां से ऊपर से डिस्पैच करने की पॉसिबिलिटी थी। बट अजीब बात यह है कि सिर्फ 20 लाइफ बोट टाइटैनिक ने कैरी किया, बट वो सारे पैसेंजर्स को कैरी नहीं कर सकता था। ये इसलिए ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब टाइटैनिक बना था तब इसको अनसिंकेबल शिप के नाम से जाना जाता था। ये ऐसा शिप माना जाता था जो कि कभी भी सिंक नहीं हो सकता। ऐसा माना जाता था कि ये अनसिंकेबल है और कोई भी अगर कह दे इसके लॉन्च के बाद कि ये डूब जाएगा तो उसके ऊपर लोग चढ़ जाते थे, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। लोग बोलते थे कि अरे ये तो अनसिंकेबल शिप है, इसमें क्या होगा। देखो क्या है कि हर जहाज में सेफ्टी प्रोसीजर्स फॉलो किए जाते हैं कि अगर कुछ घटना हो गई तो उस टाइम चीज़ें कैसे मैनेज होगी, इसका टेस्टिंग होता है। तो लाइफ बोट ड्रिल एक टेस्टिंग प्रोसीजर है और ये शेड्यूल्ड था उसी दिन जिस दिन टाइटैनिक निकला था। बट वो कैप्टन एडवर्ड स्मिथ ने इग्नोर किया क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस था कि ये अनसिंकेबल शिप है और इतना ड्रिल टेस्टिंग ये वो झमेला ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो अनसिंकेबल है। बट उनको क्या पता था कि ये कितना ज़रूरी था। बट ये कैंसिल ज़रूर हो गया था और क्यों कैंसिल हुआ था ये आज तक एक मिस्ट्री है कि उन्होंने इतना बचकाना डिसीजन क्यों लिया आखिर। टाइटैनिक जो है ये 17 सितंबर 1908 को ऑर्डर किया गया था और ये कंप्लीट हो गया था पूरी तरह से 100% 2 अप्रैल 1912 को। कुछ सालों में ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया था। 2 अप्रैल 1912 को कंप्लीट हुआ, फिर ये पहली बार 10 अप्रैल को, इसकी पहली ही जर्नी थी वो जिसमें ये डूबा था, वो लॉन्च हुआ था 10 अप्रैल 1912 को और 15 अप्रैल 1912 को ये ऑफिशियली आउट ऑफ सर्विस हो गया। मतलब इस शिप की जो लाइफ है वो सिर्फ सर्विस डेट से 5 दिन, सिर्फ 5 ही दिन ये एग्जिस्ट कर पाया। इतने सालों की मेहनत सिर्फ 5 दिन में बर्बाद हो गई। 10 अप्रैल 1912 को ये शिप शुरू हुई। जब ये आइसबर्ग हिट किया तब ये 600 किलोमीटर चल चुकी थी। 14 अप्रैल 1912 को रात 11:40 पे ये आइसबर्ग हिट किया था और ऑलमोस्ट 2.5-3 घंटे के बाद 2:20 15 अप्रैल को ये शिप पूरी तरह से बीच से ही टूट गया। जब ये टूटा उसके बाद एक शिप आरएमएस कार्पथिया अराइव हुआ और बचे हुए 710 सर्वाइवर्स को वो सेव किया। टाइटैनिक की कहानी तो सबको पता है बट इसके बारे में कुछ फैक्ट्स है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। टाइटैनिक का जो रेक है, जो रिमेन्स है, वो समुद्र से 12,500 फीट अंदर है, करीब 4 किलोमीटर अंदर। जब ये डूबा 1915 में, उसके बाद से कई सारे प्रयास किए गए इसको फाइंड करने के लिए कि इसका जो रेक है वो किधर है, बट कोई भी सफल नहीं हो पाया। अंटिल 1 सितंबर 1985 में, करीब 70 साल बाद इसके रेक को फाइंड किया गया। कई सारे ड्रोन्स भेजे गए इसके फिल्मिंग के लिए
इसके रैक के लिए। एंड जो रैक आप अभी अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, ये उसके रियल रैक का पिक्चर है। मैं आपको टाइटैनिक के बारे में कुछ रैंडम फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। जो आइसबर्ग टाइटैनिक को हिट किया था, वो करीब 100 फीट ऊपर था वाटर से। मतलब जो पार्ट टाइटैनिक को हिट किया था, जो टाइटैनिक के टर्न लेने के बाद भी जो पार्ट टाइटैनिक से टच हो गया था, वो करीब 50 से 100 फीट ऊंचा था। बट जो इंटायर आइसबर्ग था जो कि इसको हिट किया था, वो करीब 200 से 400 फीट ऊपर था। आपको पता है टाइटैनिक पे जो लाइफ बोट्स थे, उसका पूरा स्पेस को यूज ही नहीं किया गया था। पैनिक में लोग कम लोड को लेके ही निकल जा रहे थे। ऐसा माना जाता है कि अगर सारे स्पेस को यूज किया जाता, तब बहुत सारे लोगों को बचाया जा सकता था, क्योंकि बहुत सारे लोग आ सकते थे उस लाइफ बोट पे और वो लाइफ बोट नहीं डूबती। ये फैक्ट है मिल्टन हर्शे के बारे में। मिल्टन हर्शे, वो हर्शेज मिल्क चॉकलेट बार जो है उसके फाउंडर है। वो $300 का चेक भेजे थे आरएमएस टाइटैनिक को, और वो लोग जाने वाले थे टाइटैनिक में, बट किसी बिजनेस रीजन के चलते, किसी इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग के चलते, वो और उनकी वाइफ नहीं गए टाइटैनिक में। एंड जब ये टकराने वाली घटना वो सुने, तब ऑफ कोर्स वो कह रहे होंगे अपने आप को कि टाइमिंग का भी कितना बड़ा खेल है ये दुनिया के सबसे लकीएस्ट पर्सन में से एक माने जाते हैं। क्या आपको पता है कि जो आप अपने स्क्रीन पे टाइटैनिक का चार फनल देख रहे हो, वो चारों में से एक काम नहीं करता था। तीन काम करते थे जो कि मेन पर्पस के लिए थे फनल, बाकी एक जो था ये सिर्फ शो के लिए था। ये था वेंटिलेशन पर्पस के लिए, जो कि शिप को एक सही आकार देता था और सिमेट्रिकल दिखता था, इसलिए उसको लगाया गया था। वेंटिलेशन के बदले इसका कोई एक्चुअल पर्पस नहीं था। जब टाइटैनिक हिट किया था आइसबर्ग को, तब अचानक से सब पैनिक हो गए थे। एंड आपको पता है, ये एक फैक्ट है कि जो पहला लाइफ बोट था जो कि रिलीज किया गया था, वो करीब एक घंटे बाद पहला लाइफ बोट को उतारा गया था नीचे, क्योंकि तब भी बहुत लोगों को भरोसा था कि ये शिप डूबेगी नहीं। और एक घंटे बीतने के बाद जब पैनिक हद से ज्यादा बढ़ गई, तब जाके पहली लाइफ बोट को रिलीज कर दिया गया। बट कॉमन सेंस यही कहता है कि सेफ्टी रेगुलेशंस के अनुसार अगर कुछ ऐसा हो जाए जो कि शिप के मेंबर्स के कंट्रोल में ना रहे, तब हमें लाइफ बोट रिलीज कर देना चाहिए। बट यही चीज टाइटैनिक में नहीं हुई। क्या आपको पता है कि टाइटैनिक का जो रिकेज है, वो धीरे धीरे लुप्त हो रहा है? वो इसलिए क्योंकि टाइटैनिक को समुद्र का एक यूनिक टाइप का बैक्टीरिया, एक रस्ट ईटिंग बैक्टीरिया धीरे धीरे खा रहा है। उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम है हेलोमोनास टाइटैनिक है। इसका नाम टाइटैनिक पे ही पड़ा है। और ये बैक्टीरिया धीरे धीरे टाइटैनिक के स्टील सरफेस और बाकी सारे पार्ट्स को खा रहा है। क्या आपको पता है कि टाइटैनिक का जो कैपेसिटी था, वो 3,500 लोगों का था, जिसमें से 2,223 लोग ही बोर्ड किए थे टाइटैनिक को। बट तब भी उस टाइम भी टाइटैनिक अपने फुल कैपेसिटी में नहीं था, जो कि था 3,500 लोग। जब व्हाइट स्टार लाइन कंपनी पहली बार टाइटैनिक को लॉन्च की थी, तब एस्टिमेटेड 1,00,000 लोग एक साथ इसके जस्ट ओवर अ मिनट लॉन्च को देखने आए थे। 1,00,000 लोग साथ में इस मेगा शिप के लॉन्च को देखे थे, विटनेस किए थे। जब टाइटैनिक चलता था, तब वो एस्टिमेटेड 825 टन कोयला हर दिन बर्न करता था। 825 टन कोयला एक दिन में ये जलाता था। क्या आपको पता है कि टाइटैनिक को बनाने में कितना खर्चा आया था? हम इन्फ्लेशन और डॉलर को रुपीस में कन्वर्ट करके इस फैक्ट को डिस्कस करेंगे। इन्फ्लेशन मतलब पैसे की वैल्यू कम होना। मतलब अगर 1912 जब ये टाइटैनिक लॉन्च हुई थी, उस टाइम जो पैसे की वैल्यू थी, उस टाइम आपको 5 रुपए में कई किलो सोना भी मिल जाता था इंडिया में, और अब 5 रुपए में सिर्फ एक छोटा सा डेयरी मिल्क आता है। तो इन्फ्लेशन को कंसिडर करके हम लोग बात करें, तो उस टाइम $7.5 मिलियन लगे थे टाइटैनिक को बनाने में।
मतलब 42 करोड़ रुपए लगे थे उस टाइम के, 42 करोड़ रुपए लगे थे टाइटैनिक को बनाने में। बट अभी उसी 42 करोड़ रुपए की वैल्यू 1200 करोड़ से भी ज़्यादा होगी। मतलब अभी आपको 1200 करोड़, ये वर्ड सुनने में जो फीलिंग आती है, जो पावर दिखता है इतने अमाउंट में, उतना ही से टाइटैनिक बना था 1200 करोड़ रुपए से। बट ये काफ़ी अजीब बात आपको सुनने में लगेगी कि 1997 में टाइटैनिक मूवी को बनाने के लिए 1200 करोड़ रुपए का यूज़ किया गया था। बट सबसे अमेजिंग बात यह है कि ये बॉक्स ऑफिस पे 12000 करोड़ रुपए कमाई थी इस मूवी को बनाने में। तो 1200 करोड़ रुपए लगे थे बट ये कमाई 12000 करोड़, और पूरे धरती के सबसे ज़्यादा कमाने वाली मूवीज़ में टाइटैनिक हमेशा नंबर 3 के अराउंड रहती है, जो कि है 12000 करोड़ रुपए। और वही टॉप की बात आप करना चाहते हो अगर, तो टॉप में हाँ अवतार है, और सेकंड में एवेंजर्स एंड गेम। अवतार ने 2.8 बिलियन यानी करीब 18000 करोड़ रुपए कमाए थे। टाइटैनिक के 3 साल की मेहनत, जो बनाने में मेहनत लगी थी, वो सिर्फ 3 घंटे में ख़त्म हो गई। टाइटैनिक में जो मेन्यू थी, खाने की मेन्यू, उसका रियल पिक्चर आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो। उसका जो फर्स्ट क्लास था, टाइटैनिक में क्लासेस होते थे, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, उसको साल 2015 में एक प्राइवेट कलेक्टर ने $88,000 में खरीदा, उसके ओरिजिनल मेन्यू में से एक पेज। $88,000 यानी करीब 60 लाख में इस मेन्यू को खरीदा उन्होंने, इसके ओरिजिनल पेज को। क्या आपको पता है जब टाइटैनिक डूब रहा था उस आइसबर्ग के सामने, तब वहाँ का जो टेम्परेचर था वो फ्रीजिंग पॉइंट पे था। जब टाइटैनिक डूब रहा था तब वहाँ का टेम्परेचर -2.2 डिग्री सेल्सियस था। आप सोच सकते हो इस टेम्परेचर में, वो भी पानी में, लोगों की हालत क्या होती होगी। अकॉर्डिंग टू लाइफ जैकेट एसोसिएशन, इस टेम्परेचर में सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट तक एक इंसान जिंदा रह सकता है। टाइटैनिक के सामने जब वो डूब रहा था, तब ऐसा कहा जाता है कि SS कैलिफोर्निया नाम का एक जहाज था, जो कि टाइटैनिक से सिर्फ 20 मील दूर था, और जो कारपैथिया शिप टाइटैनिक को एक्चुअल में बचाया था वहाँ के लोगों को, वो तो 60 मील दूर से आ रहा था, बट सामने ही एक जहाज था SS कैलिफोर्नियन, और अगर वो आ जाता तब शायद बहुत सारे लोग बच जाते। बट वो नहीं आया क्योंकि कोई भी सिग्नल्स को सीरियसली नहीं लिया और ध्यान नहीं दिया। उनके हिसाब से टाइटैनिक उनके साइट पे नहीं था, उन्हें दिख नहीं रहा था, एंड ऊपर के फ्लेयर्स को देख के उनको लग रहा था कि ये नॉर्मल पार्टी वगैरह चल रही होगी। तो ये एक बहुत बड़ी गलती हुई SS कैलिफोर्नियन से, जो कि शायद नहीं होना चाहिए था। जब टाइटैनिक डूब रहा था, तब टाइटैनिक मूवी में जो गाना प्ले किया जा रहा था, जिसका नाम था नियरर माई गॉड टू थे, वही सॉन्ग रियल लाइफ में टाइटैनिक में वहाँ के म्यूजिशियंस बजा रहे थे, लोगों को काल्म करने के लिए, लोगों को ये भरोसा दिलाने के लिए कि कोई ना कोई मदद हमारे पास ज़रूर आएगी। जब रिकेज साइट डिस्कवर हुई 1985 में, तब टाइटैनिक के 6000 से भी ज़्यादा आर्टिफैक्ट्स को रिकवर किया गया, बहुत सारे आइटम्स शिप से निकाला गया। एक वायोलिन को रिकवर किया गया था, जो कि साल 2013 में $1.7 मिलियन में बिका, यानी करीब 12 करोड़ रुपए में। टाइटैनिक पे एक पैसेंजर थे, जॉन जैकॉब एस्टर, जो कि उस बोर्ड के सबसे वेल्दीएस्ट मेंबर थे, और उनकी एस्टिमेटेड नेट वर्थ उस टाइम $85 मिलियन थी, जो कि अभी के हिसाब से माने तो वैल्यू के हिसाब से उस टाइम 12000 करोड़ इनकी नेट वर्थ थी। उस टाइम टाइटैनिक की जो यंगेस्ट पैसेंजर थी वो सिर्फ 2 महीने ओल्ड थी, सिर्फ 2 महीने की एक बच्ची, जिनका नाम है मिलिविना डेन, और वो अभी हाल ही में साल 2009 में इनकी डेथ हुई, जब ये 97 ईयर ओल्ड थी। जब टाइटैनिक के 700 लोग जो कि बच के आए थे शिप से, वो जब आए वापस, तो उनको देखने 40000 लोग न्यूयॉर्क में आए थे। और जब ये टाइटैनिक 1985 में मिला, तब अंडर वाटर रोबोट्स ने
1,00,000 से भी ज्यादा फोटोज को क्लिक किया था। ये दुनिया के आज तक के सबसे बड़े घटनाओं में से एक था, जो कि हर एक के दिल को शेक कर देती है जब कोई भी इसकी कहानी सुनता है। और ये जो फैक्ट थे इसके बारे में, जो जनरल नॉलेज थी, ये ऑलमोस्ट सबको पता होनी चाहिए, और इसलिए मैंने आपसे ये सब शेयर किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना और कमेंट करना कि ये वीडियो कैसा लगा, और शेयर भी कर देना ताकि नॉलेज सबको मिले। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन नहीं किया है तो ऑन जरूर कर लेना।